हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैंने भाई दूज की पूजा कर ली है, भाई दूज पे तिलक लगा दिया है और वो ब्लॉग आप देख सकते हो। आप सबको भाई दूज की मुबारक है। अभी मैं बना रही हूँ सोयाबीन और मूली का पराठा। सोयाबीन को पहले मैंने वॉश करके निचोड़ के अलग से निकाल लिया है, उसके अंदर मैंने शिमला मिर्च चॉप करके डाली है। और हल्दी के बिना मेरा कोई भी पराठा बनता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची स्वाद अनुसार, मैगी मसाले के बिना तो कम्प्लीट नहीं होता पराठा। तो अभी देख लो, मैं सब कुछ दिखा देती हूँ। गैस फ्लेम ऑन कर ली है, ये रोटी मैंने बेल ली है, ये देखिए नमक मिर्च वाला सिस्टम ये पड़ा है मेरे पास। हल्दी, हल्दी, नमक, अजवाइन, अजवाइन ब्रीक वाली डाली है, और भी डाल लेती हूँ। और ये देखो मैंने ये मिक्सचर तैयार कर लिया सोयाबीन का, इसके अंदर शिमला मिर्च और अपना मैगी मसाला, नमक मिर्च स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया है। इसको मिक्स करके फिर मैंने मूली में मिक्स कर लिया है। ये देखो मूली मैंने कद्दूकस करके रख ली थी, ये देखो। अब मैं इसकी भर भर के स्टफिंग करूँगी, कंजूसी नहीं करनी है। तो इसको देसी घी में बनाना होता है, ये इतना ज़्यादा अच्छा बनता है जिसकी मैं क्या ही बताऊँ। जब खाओगे आपको तब पता चलेगा। अगर चम्मच की सहायता से मुश्किल हो रहा है तो आप इसको हाथ से भी डाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि निचोड़ देना है उसको, सोयाबीन को अच्छे से, और मूली को, और मूली के पानी से आप आटा गूंथ सकते हो। ये देखो मैंने भर के स्टफिंग की है। कुछ लोग रोल करके बनाते हैं, मुझे रोल करके नहीं आता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है रोल वाला पराठा, तो मैं ऐसे ही स्क्वायर करके डालती हूँ। एक हाथ से मैं फोन वीडियो बना रही हूँ। ये देखो अब मैं इसको बेल के तवे पर डालूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। देखिए मैंने ये पराठा तवे पर डाल दिया है, फ्लेम को कर लिया है मैंने फुल, ठीक है। तो अब ये रहा देसी घी, अब इसकी ब्रश की सहायता से मैं लगाऊंगी, क्योंकि इससे ऑयल बिल्कुल सही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि अदरवाइज़ तो तवे पे बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है, इसलिए मैं इसकी सहायता से ऑयल लगाऊंगी। और ये पराठा मैंने पतला रखा है, क्योंकि पतला पराठा होता है ना जो बहुत अच्छा लगता है, मोटे पराठे मेरे पति लाइक नहीं करते और ना पापा लाइक करते। तो ऐसे आपको ब्रश की सहायता से देसी घी लगाना है। एक हाथ से वीडियो बनानी और एक हाथ से ये करना ना बहुत थोड़ा मुश्किल लगता है, पर आई लव टू मेक वीडियोस। मैं चाहती हूँ आप लोग भी ये वीडियोस देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी घर पर ट्राई करो। बस ये है, लाइक शेयर का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अच्छा लगता तो ना लाइक करो, शेयर ना करो, पर वॉच करो एक बार ज़रूर, ये बोलूँगी। मुझे वीडियो बना के डालना अच्छा लगता है। अब तवे की फ्लेम आप थोड़ी कम कर देंगे, क्योंकि ये पराठा जल ना जाए इसलिए। ये देखो ऑयल आप कम भी लगा सकते हो, देसी घी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बेसिकली, पर मेरे पति पराठे के ऊपर कम लाइक करते हैं, इसलिए ब्रश की सहायता से मैं बहुत कम लगा रही हूँ, ताकि यही रख देती हूँ ये वाला। ये देखिए मैंने चटनी भी बनाई है, चटनी की रेसिपी मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, अगली बार जब मैं चटनी बनाऊंगी, अभी मैं नहीं बना पाई वीडियो। तो हम इसको ज़्यादा नहीं सेकेंगे, क्योंकि ज़्यादा सेकने से वो हार्ड हार्ड सा हो जाता है, क्रंची बन आ जाता है, वो क्रंची पर मेरे पति को अभी पसंद नहीं, स्टफिंग वाले में खास करके। तो ये तक उठाया और ये रखा प्लेट में, और ये मैंने यहाँ रखा, ये चटनी मैंने डाल दी है, ये मैं पति को प्लेट में दे रही हूँ। मैं भूल गई, मेरे पति को देसी घी के बिना पराठा नहीं पसंद, तो थाली इनकम्प्लीट हो जाती है। ये थोड़ा सा मेल्ट करके और अचार भी रखूंगी साथ में, थोड़ा सा मेल्ट करके दूंगी, क्योंकि वो नहीं खाते मेरे पति। आपको अगर कैसा लगा तो मुझे बताना। ये लो जी चटनी और अचार और देसी घी और पराठे पे, इन्होंने इतनी भूख लगी है, इन्होंने रख लिया। ये देखो ऐसे चटनी डाली है, और पति देव जी खाएंगे और मुझे बताएंगे। मैं देख जी मेरे पति पराठा खा रहे हैं, इनसे सब्र नहीं हुआ, बहुत भूख लगी हुई है। स्वाद है बहुत बढ़िया। आप बोल रहे थे सोयाबीन में नहीं खाऊंगा, तो सोयाबीन मूली का पराठा कैसा लगा? अच्छा लगा। ये देखे जी ये है कलर, आई एम सो हैप्पी, इनको अच्छा लगा। ये जिद कर रहे थे मैं नहीं खाऊंगा सोयाबीन का पराठा, पर इनको फाइनली अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आपको पराठा कैसा लगा बताना ज़रूर। यहाँ पे मिनी ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, हैप्पी दूज आप सबको, और आप भी बनाए यम्मी यम्मी खाए। सोयाबीन और मूली का मिक्स पराठा बहुत ही टेस्टी बना है, और मैंने खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और प्याज
टमाटर की और चिब्बड़ बीच में डालते हैं, जो उसकी जो चटनी है और बहुत ज़्यादा लजीज लगती है। इसके साथ अगर आप मूली कद्दूकस की हुई खाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, इतनी सोयाबीन मूली का मिक्स परांठा, ऊपर चटनी जो मैंने अभी दिखाया आपको बनाते हुए, साथ में मूली, ऐसे खाओगे तो इतना ज़्यादा टेस्टी। और देसी घी में बना हुआ परांठा, ये स्टफिंग भर भर के डाली हुई है जैसे वीडियो में दिखाया था। देखो चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि चिब्बड़ बीच में डालो, चिब्बड़ की चटनी कैसे बनाई हुई है ये मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगी। ये ट्राई करना ज़रूर जो मैंने अभी आपको रेसिपी दिखाई है, घर पे बनाओ और खाओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आपको कैसी लगी ये रेसिपी मेरी ज़रूर बताना। और न्यू रेसिपी लेके आऊँगी और न्यू ब्लॉग लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय, इन्जॉय।